डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। पॉस्को एक्ट में गिरफ्तार मेरठ बार एसोसिएशन के निष्कासित वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता को भले ही जेल भेज दिया गया हो, लेकिन अभी तक आरोपी भाजपा के मंत्री संजीव गोयल सिक्का व महानगर महामंत्री अरविंद मारवाड़ी पर पुलिस ने हाथ नहीं डाला है। यौन शोषण के आरोप के बाद ही रमेश गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है। किशोरी ने रमेश चंद्र गुप्ता के साथी संजीव सिक्का व अरविंद मारवाड़ी पर भी यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। इस बीच एक अन्य मामले में भाजपा नेत्री के आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के आरोपी भाजपा पार्षद रविंद्र सिंह को गिरफ्तारी से पूर्व ही अंतरिम जमानत मिलना और दूसरे आरोपी रविंद्र नागर की अभी तक गिरफ्तारी न होना भी कहीं ना कहीं विपक्ष के इन आरोपों को साबित कर रहा है कि मेरठ पुलिस सत्ताधारियों के आगे नतमस्तक है। आज रालोद व ऑल इंडिया मस्जिद से इताबुद्दीन मुसलमीन ने अलग अलग SSP ऑफिस पहुंचकर यौन शोषण के आरोपी भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की। इन लोगों ने सवाल उठाया कि क्या इस यौन शोषण मामले का हश्र भी देश के पहलवान बनाम भाजपा सांसद ब्रजभूषण जैसा होना है। भाजपा का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है, लेकिन आज बेटियों का सर्वाधिक खतरा इन जैसे भाजपा से ही है। इस बीच रमेश चंद्र गुप्ता के कुछ और वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो अच्छे दिनों में फिल्माए गए थे, लेकिन बुरे दिनों पर सटीक बैठ रहे हैं। आज SSP ऑफिस पर यह नजारा रहा, देखिए। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पीड़ित किशोरी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। पीड़ित किशोरी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पीड़ित किशोरी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इस बारे में रालोद महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष सर्वेश पुंडीर ने यह कहा। मेरा नाम सर्वेश पुंडीर, मैं राष्ट्रीय लोकदल महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हूँ। किस लिए आया आज आप SSP ऑफिस पर? हाँ, मैं SSP ऑफिस पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। पूरा शहर बहुत गुस्से में है, सब महिलाएं गुस्से में है कि वकील की गिरफ्तारी होते ही रमेश चंद्र गुप्ता की साथ में इन दो भाजपा नेताओं को क्यों बचाया जा रहा है। इसमें हमें षड्यंत्र की बू आ रही है और हम SSP साहब से गुहार लगाने के लिए आए हैं कि इनका नार्को टेस्ट कराया जाए। नार्को टेस्ट यदि हो गया प्रदेश सरकार भी खतरे में आ जाएगी। नार्को टेस्ट कराया जाए? संजीव सिक्का का और मारवाड़ी वालों का क्या, और इनके भी कराए जाएं जिनको गिरफ्तार किया है। नार्को टेस्ट सबका होना चाहिए। क्या था पूरा प्रकरण, आप क्या किस तरह से देखते हैं पूरा प्रकरण? जो अब इन्होंने लड़की के साथ में जो भी गलत काम किए हैं, कृत्य जो घटना घटी है, मैं विस्तार से बताऊंगी। एक महिला होने के नाते कुछ चीज़ों को आपको पता है लैंग्वेज क्या रखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारी जो मांग है वो गिरफ्तारी की मांग है, पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए इसकी मांग है, और इनके नार्को टेस्ट होने चाहिए। भाजपा नेताओं को पुलिस ढील दे रही है। हाँ जी, आप ये देखिए कि आए दिन कोई ना कोई खुलासा हो रहा है, लेकिन भाजपा नेता कैसे बच जाते हैं ये हमें समझ में नहीं आता। यदि किसी और दल का या आम आदमी होता तो हमारे मुख्यमंत्री जी बुलडोजर चला देते। आज बुलडोजर उनका सो गया है क्या? नशे की गोलियां खाली। ऑल इंडिया मजलिस ए तहुदीन मुस्लिमीन के महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी का यह कहना है। मेरा नाम इमरान अंसारी है, मजलिस तहुदीन मुस्लिमीन से महानगर अध्यक्ष मेरठ। मामला यह है साहब के जो पिछले दिनों एक यौन शोषण, एक अनाथ बच्ची जो पहले उसका अपहरण होता है और उसके बाद वो जो सब कुछ सामने आता है, तमाम शहर ने वो वीडियोज़ देखे हैं। उस सिलसिले में एक अधिवक्ता की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो दो लोग BJP के उसके अंदर नेम्ड हैं FIR के अंदर, और 164 के बयान में जो बच्ची कह रही है उनके खिलाफ, एक अरविंद मारवाड़ी हैं BJP के जिला महामंत्री हैं, महानगर महामंत्री हैं, एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं संजीव गोयल सिक्का, उनके खिलाफ अभी तक ना कोई गिरफ्तारी है, ना कोई पुलिस झुलमुल रही अपना रही है
कि हम जांच कर रहे हैं, सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। अरे भाई, जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। तमाम वाक़यात ऐसे हैं कि एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रशासन ने बुलडोज़र की कार्रवाई कर दी है। यहाँ पर बुलडोज़र में डीजल खत्म है या ड्राइवर छुट्टी पर है, बताया जाए इस बात को। अब क्या मांगे हैं? मांगी है कि हमारा इन दो लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इन लोगों पर गैंगस्टर लगाकर इनकी संपत्ति अटैच की जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।